दोस्तों, आपने आजकल कभी भी अगर दो स्मार्टफोन्स को कंपेयर किया हो या आपने अगर किसी स्मार्टफोन की कैमरा स्पेसिफिकेशंस देखी हो तो आपको उसमें OIS हो सकता है नजर आया हो कहीं पे लिखा हुआ। अब ये OIS क्या होता है कैमरा में, ये कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, OIS का जो पूरा इसका शब्द निकल के आता है वो होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना इमेज स्टेबलाइजेशन मतलब कि ये इमेज को स्थिर बनाने में काम आता है, और ऑप्टिकल मतलब ये कुछ लेंसेज की मदद से ऐसा करता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि आप अगर दिन में बाहर एक फोटो लेते हैं जब खूब रोशनी होती है चारों तरफ, तो कैमरे का जो शटर है वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए या 1 सेकंड के 200वें हिस्से के लिए केवल खुलता है, क्योंकि जैसे ही वो शटर खुलता है कैमरे का जो सेंसर है उसको काफी रोशनी मिल जाती है, वो बंद हो जाता है और आप अपनी फोटो देख पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लो लाइट की, या जब रोशनी काफी कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, उस टाइम पे कैमरे का जो शटर है वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा देर तक खुले रहने की, कई बार सेकंड का 10वां हिस्सा, कई बार सेकंड का 20वां हिस्सा। तो वो जो सेकंड का 10वां हिस्सा है ये टाइम बहुत ही ज्यादा होता है, और एक आम इंसान के लिए अगर वो फोटो लेगा कैमरे को, ऐसा अगर वो पकड़ के फोटो लेगा, तो वो जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। और 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ये बात तो पक्का है कि उसके हाथ से फोन थोड़ा बहुत शेक करेगा। ये एक आम बात है, ये हर एक के साथ होता है। तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो आपकी मदद करता है उस जो आपके हाथ से फोन जो हिल रहा है उसको खत्म करने में। अगर आप नॉर्मल किसी फोन से फोटो लेते हैं जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता, तो क्या होता है, दो बातें होती हैं, या तो फोटो धुंधली आती है क्योंकि कैमरा तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक शटर अपना खोल के वेट कर रहा था लाइट का आने का, लेकिन आपने उस दौरान कैमरे को इतना हिला दिया कि सब चीजें इधर उधर मिल गई हैं, या फिर जो फोटो आती है वो डार्क आती है क्योंकि कैमरा ये सोचता है कि फोन बहुत ज्यादा हिल रहा है तो फोटो धुंधली आएगी, इसलिए मैं इसको टाइम को कम कर देता हूँ। तो जैसे ही वो टाइम को कम करता है कैमरे को रोशनी नहीं मिल पाती है तो फोटो डार्क आती है। अब देखिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन क्या करता है। मान लीजिए कि आपके हाथ में कैमरा है, फोन है, मान लीजिए आपका, आप जब फोटो ले रहे हैं तो जैसा आपका फोन मान लीजिए जरा सा यूं हिला तो वो लेंस को उसके बदले में उल्टा हिला देगा, या मान लीजिए जरा सा आपके हाथ से यूं हिला तो वो लेंस को उल्टा हिला देगा। तो एक तरीके से आप ये मानिए कि जैसा आपका हाथ का मूवमेंट होगा, जैसा आप अपना हाथ दाएं बाएं हिलता होगा फोटो खींचते टाइम में, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है उसके अंदर ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स हैं आपके कैमरे में जो उस लेंस को उसके विपरीत दिशा में उसका उल्टा घुमा देंगे, और जिससे कैमरे को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका फोन हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपका जो शटर है वो खोल पाएगा और आपको बहुत ही अच्छी फोटोज मिल पाएंगी। तो देखिए, ये तो थी फोटोज की बात। अभी ये चीज वीडियोज में भी होती है कि जब आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आप जब चल रहे होते हैं मान लीजिए, तो चलते चलते अगर आप किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थोड़े बहुत आपको चलने से जर्क लगेंगे और आपका जो कैमरा फोन है वो थोड़ा बहुत हिलेगा, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की मदद से ये चीज को कम से कम किया जा सकता है, और जितने आपका मूवमेंट है उसको कम से कम बनाते हुए वीडियो को एक स्मूथ, एक साफ क्वालिटी दी जा सकती है। अभी आजकल ये जो कैमरा फोन्स हैं इनमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत कॉमन हो गया है। जो अच्छे फोन्स आते हैं, जो हर एक कंपनी का बेस्ट फोन होता है, उसमें ये फीचर मान लीजिए होता ही होता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी की थी नोकिया लुमिया 920 में, उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पहली बार एक स्मार्टफोन में देखने को मिला था, और उसके बाद से तो मान लीजिए कि एक तरीके से जरूरी फीचर बन गया है अगर आपको अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी चाहिए या आपको एक अच्छी स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं आपको एक कंपैरिजन भी दिखाऊंगा अभी 2 दिन फोटोज का, जो कि OIS के साथ और बिना OIS के लेते हैं तो कैसा आपको रिजल्ट मिलता है, तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ कैमरा के बारे में, कि मोबाइल फोन्स में जो कैमरा होता है उसमें अलग अलग चीजों का क्या मतलब होता है, सेंसर क्या होता है, मेगापिक्सल क्या होते हैं, एपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, ISO वगैरह, इन सभी के बारे में।
तो बने रहिए टेक्निकल गुरुजी के साथ। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर कीजिए। नीचे कमेंट्स में आप अपने सवाल और सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना एक टेक वीडियो लेके आता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।